सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हमारी क्लास होने वाली है 10वीं, तो कैसा लग रहा है आपको 3D डिजाइनिंग सीख के? मजा आ रहा है? ओके, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 10वां क्लास। ठीक है, आज हम सीखेंगे इसमें लाइनर स्केच पैटर्न और लाइनर स्केच पैटर्न ही आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले फॉन्ट चेंज कीजिए, यानी यूनिट चेंज करते हैं पहले अपना। ठीक है, एक लेते हैं फ्रंट प्लेन। ओके ओके, लीनियर स्केच पैटर्न में दो कैटेगरी है, एक तो लीनियर है, एक तो सर्कुलर है। ठीक है, दोनों आप सीखेंगे। ठीक, चलिए कुछ ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ले लिया, एक सर्कल भी ले लेते हैं, दोनों एक साथ सीखेंगे। ठीक है, ओके ये ले लिया हमने। ठीक है, पहले सीख लेते हैं लीनियर पैटर्न, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप मत लीजिए, एक हम ले लेते हैं मिनी सर्कल, जो कि हम इसके अंदर बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, ओके क्यों तैयार आऊंगा। क्या हो रहा है भाई? ये लो तैयार हो गया। ओके ओके, तो चलिए लीनियर पैटर्न यूज करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ऐसे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में हमें इसका जो फोटो कॉपी है, या तो हम कह सकते हैं इसकी एक फ्रेम, हमें कितनी लेयर चाहिए ये हमें डिसाइड करनी होती है। ये डिस्टेंस बताएगा कि हम ये दो सर्कल के बीच में कितना हमें डिस्टेंस चाहिए। चलिए मानते हैं 25 mm का डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, और हम सर्कल ले रहे हैं, पाँच ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ओके, डिग्री लेना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं इसी डिग्री। ठीक है, 10 degrees करिए। ठीक है, ये हम इसके एंगल्स के द्वारा भी इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे चलते हैं, जो हमारा ये पैटर्न बनने वाला है। ठीक है, ओके, अगर हमें वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है, वाई एक्सिस पे ले लीजिए। लीजिए, ये है इसका रोटेशन अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, हम ले लेते हैं इधर 4, इधर ले लेते हैं डाउनवर्ड पे। इसका डिस्टेंस हम 20 mm रखते हैं सर्कुलर। ये इसका मतलब है हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। आप इस पर भी क्लिक करेंगे, ये फ्लिप डायरेक्शन है, इस पर भी क्लिक करेंगे, ये ऊपर डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है नॉर्मल लीनियर स्क्रेच पैटर्न। ओके, नॉर्मली एक चीज और है, अगर हम किसी चीज को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे इसमें से किसी पैटर्न को डिलीट करना चाहते हैं विचुअली, ठीक है, क्लिक कीजिए, कोई पैटर्न लीजिए, आप मान लो इसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, सेंटर पर क्लिक कीजिए, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करना है डिलीट करिए। ठीक है, इसको करना है आप इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा लीनियर स्क्रेच पैटर्न। ओके, जब तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं सर्कुलर स्क्रेच पैटर्न का। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, सर्कल तैयार, एक रोस्टर लेते हैं इसमें। ठीक है, मान लीजिए हमें सर्कल चाहिए। ठीक, आप यूज कीजिए हमारा सर्कुलर स्क्रेच पैटर्न। ओके, ठीक है, क्लिक कीजिए जो हमें लेनी है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये हमारा सेंटर डिसाइड हो गया। ओके, हमें कितने पैरा चाहिए ये डिसाइड कर लो, हमें 10 चाहिए, 10 बन जाएंगे। ठीक है, ओके, अब डिग्री रोटेशन चाहिए आपको, मान लीजिए हमें 180 पे चाहिए, 180 बन गया, 180 पे सारे अपने सर्कल जो है, जो गोला है वो अपना फिक्स हो गया। ठीक है, हमें 260 या 270 पे चाहिए, तो 270 पे सारी डिसाइड हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें, और अगर हमें ये हमने क्लिक कर रखा है, इसका मतलब जो इन दोनों सर्कल का, इन दोनों ये सारे जितने भी सर्कल हमारे सर्कुलेशन पे है, ठीक है, ऊपरी पेरिफेरी पे है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है सेम रहेगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, अगर डायमेंशन की रेडियस चाहिए तो भाई वो देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक, ओके, तो ये है, और एक पॉइंट और है, ये देख लो, इसको करना है। देखो, ये दिखाता है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है, हम एक्स एक्सिस पे, ये एक्स है वाई, हम कितना और आगे ले जा सकते हैं, वाई एक्सिस पे हम 12 ले जा सकते हैं। देखो, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इससे हम अपना डायमेंशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। ओके, और एक चीज़ और, मान लीजिए मैं स्किप वाला, ठीक है, पैटर्न, अगर हमें कोई डिलीट करना है तो करो भाई, डिलीट हो जाएगा, ये सेंटर पे क्लिक करो, डिलीट हो गया। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो, सर्कल के जो हमने लिए वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्क्रेच, लीनियर स्केच पैटर्न एंड सर्कुलर स्केच पैटर्न। ओके, तो ये चीजें हो गई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।